जी, ये जर्मनी का कैपिटल सिटी बर्लिन, और बर्लिन में इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा तारीखी अहमियत की जगह है जिसको कहते हैं बर्लिन वॉल। ये ऊपर जो आपको दीवार नज़र आ रही है कहीं से टूटी हुई है, कहीं पे सुराख है, कहीं पे कुछ है, ये किसी ज़माने में डिवीज़न हुआ करती थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी में। मशरकी जर्मनी जो है वो रशिया के कंट्रोल में था, और ये देखें बस भी गुजर रही इधर से, ये हिस्सा टूटा हुआ है वॉल का, और ये ऊपर सारी दीवारें बर्लिन कहलाती है, बर्लिन वॉल। और नीचे जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये इसकी हिस्ट्री के थोड़े से वो डिटेल दी हुई है नीचे, जो ये देख रहे हैं कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, और लोग जो है वो उसको हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तारीख देख रहे हैं। ऊपर आपको जो है ये बर्लिन वॉल नज़र आ रही है। तो मैंने यहाँ पूछा एक साहब से कि बस ये इतना सा टुकड़ा ही बचा है, तो उसने कहा कि नहीं, इस तरह के कुछ पीसेस और हैं शहर के अंदर, और ये सबसे बड़ा हिस्सा है जो इन्होंने महफूज किया हुआ है, और लोग इसको देखने आते हैं। बाकी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ से ये दीवार गुजरती है, ज़ाहिर है दीवार तो टूट गई जब दोनों जर्मनी मिलके एक हो गए, यूनाइटेड जर्मन बन गया, जर्मनी यूनाइटेड हो गया, तो फिर दीवार तो तोड़ दी थी ना। अब ये थोड़े बहुत जो हिस्से बचे हुए वो तारीख को महफूज करने के लिए इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। ये दीवारें बर्लिन जो है ये आप देख रहे हैं, मैं इसके लिए ख़ास तौर पे टाइम निकाल के और अभी इधर आया हूँ वॉक करता हुआ, खासी लंबी वॉक करने के बाद आया हूँ, क्योंकि मैं इसको करीब से देखना चाह रहा था। मेरा अपना भी इंटरेस्ट था कि बर्लिन वॉल को करीब से देखा जाए। ये हेडिंग है जो बर्लिन की हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है, और इस हेडिंग के तहत ये यहाँ पे मुख्तलिफ उसमें तस्वीरें लगी हुई हैं और इनकी हिस्ट्री बयान की हुई है। और मैं अब इन तस्वीरों और हिस्ट्री की बजाय दीवारें बर्लिन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो ऊपर चल के अब डायरेक्ट दीवार को करीब से देखते हैं। नहीं जी, अब ये बिल्कुल दीवार के करीब आ गए, और यहाँ से आप देखें कुछ हिस्से टूट फूट का शिकार है, बाकी अब दूसरी तरफ रास्ता है वहाँ से एंटर होते हैं। नहीं जी, अब दीवार बिल्कुल करीब से देख रहे हैं, बर्लिन की दीवार बिल्कुल करीब से, तो आप देखें इसमें कितना सरिया और कितनी कंक्रीट, ये इसकी थोड़ी सी यहाँ हिस्ट्री भी दी हुई है। ये कितनी मज़बूत, कितनी पायदार, और उसके बावजूद इसमें कहीं कहीं दराने, ये तो अब आप देख रहे हैं ना, उस वक्त के दौर में भी मुझे पता है, मैं शायद कॉलेज के ज़माने की बात है, हमारे कज़न का एक दोस्त वो जर्मनी में था, वो होते थे वेस्ट जर्मनी में, और वेस्ट जर्मनी में, और उनको ईस्ट जर्मनी के बारे में बहुत सारी मालूमात थी। उस वक्त जर्मनी यूनाइट नहीं हुआ था, और वो बताया करते थे कि मशरकी जर्मनी में लोगों के इतने बुरे हालात हैं, फाइनेंशियली मईशत इतनी ख़राब है, उनको खाने को नहीं मिलता, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर उनको दी जाएं तो जो मर्ज़ी काम करवा लो, बहुत मामूली सी चीज़ देके।
और जो रिश्तेदार मशरकी जर्मनी में रहते थे, कुछ उनके मगरबी जर्मनी में, दोनों फैमिलीज को मिलने के लिए इसी किस्म के सुराख और इसी किस्म की कहीं कहीं दीवार में दरारें, कहीं कहीं कोई बॉर्डर, कहीं कोई चेक पोस्ट, वहाँ पे उनको सिर्फ इजाज़त होती थी एक दूसरे को देखने की, बात करने की, दूर से खड़े होकर, जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की सूरत हाल है ना, बिल्कुल यही सूरत हाल थी। ये थोड़ी सी स्टोरी थी बर्लिन वॉल के बारे में, और बस मेरा ख्याल यहाँ तक ये काफ़ी। बाकी फिर अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, ये भी देखेंगे। अब इसको महफूज करने के लिए ना सड़क के दोनों तरफ जंगला लगाया हुआ, इधर भी जंगला लगाया हुआ, इसकी बैक साइड में थोड़ा सा हिस्सा दिखाता हूँ, उधर भी जंगला लगा के इस दीवार को महफूज किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से दीवार के दूसरी तरफ देखें, बाहर भी ये जंगला लगा हुआ है और सड़क को सड़क से महफूज किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने शीशे की छत से महफूज किया हुआ है, नीचे जो हिस्ट्री है, जो गैलरी है जहाँ पे सारी इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, हिस्ट्री थोड़ी बहुत बताई हुई है, कुछ फोटोज़ हैं, ये उसको सारे को शीशे की छत से कवर किया हुआ है। ये देखो नीचे से ये आपको जाना है। ऊपर शीशे की छत पड़ी हुई, नीचे लोग देख रहे हैं।